सीटेट 2023 को लेकर बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, और आपके जो सवाल हैं इन सब के एक एक करके हम जवाब देंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि सीटेट जुलाई हो या सीटेट पहले हो या आने वाला सीटेट हो, हमेशा फॉर्म भरते समय ढेर सारे सवाल लेकर आता है। तो पहली बात तो सुन लीजिएगा वीडियो देखने से पहले, अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो पहला काम फॉर्म भर लीजिए, नहीं तो सेंटर आपके नज़दीक का अलाट हो जाएगा, फिर आपको दूर दराज का सेंटर मिल पाएगा। इसलिए पहला काम ये करिए, फॉर्म भरने पर फोकस कर लीजिए। अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो कुछ गलतियाँ आपको नहीं करना है, वो हम एक एक करके बताएंगे, और मैंने एक वीडियो भी बना के रखा है कि कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। फॉर्म भरते समय फॉर्म पूरा डेमो भर के बना दिया है, किस सेमेस्टर वाले भरेंगे फॉर्म? अब आपने सीटेट ने अब अपनी नोटिफिकेशन के माध्यम से सीटेट 2023 या यूं कहें सीटेट दिसंबर 2022 में कह दिया है कि अब किसी भी सेमेस्टर के अभ्यर्थी सीटेट के आवेदन कर सकते हैं, चाहे उन्होंने पहली बार पहले सेमेस्टर में हो माने इनरोल किया हो बीटीसी बीएड डीएलएड में, या द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, पहले क्या था अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी ही मानते, लेकिन अब से सीटेट के किसी भी सेमेस्टर में आप हैं आप आवेदन कर सकते हैं, आपका मार्कशीट आपका रिजल्ट पूरी तरह से मान्य होगा। दूसरी सबसे अहम बात ये होगी कि किस सेमेस्टर में फॉर्म भरने के बाद क्या उसकी मार्कशीट आपको अपलोड होगी, नहीं सब कुछ होगा, सारी प्रक्रिया होंगी और वो मान्य भी होंगी, लेकिन शिक्षक भर्ती के समय आपको बीटीसी बीएड पूरी तरह से पास होना अनिवार्य है। दूसरी बात, बीएड बीटीसी वाले गलती ना करें, फॉर्म भरते समय जब आप पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड का चुनाव करते हैं वहां पे कॉलम भरने के लिए आता है 1 से लेकर 5 तक और 1 से लेकर 8 तक, जूनियर की बात करेंगे 1 से लेकर 8 तक और प्राइमरी 1 से लेकर 6 तक, नंबरिंग होती है उसको ध्यान से पढ़िएगा, वहां पे गलती मत करिएगा वरना बाद में आपको दिक्कत होगी। सब कुछ सही होगा, रिजल्ट आएगा, परीक्षा होगी, लेकिन जब लास्ट में काउंसलिंग होगी उस समय आपके लिए समस्या हो सकती है। इसलिए बीटीसी बीएड के अभ्यर्थी, उसको मैंने फॉर्म भरते समय अच्छे से समझाया था, अच्छे से उसके बारे में वीडियो मैंने बना के डाला था, इसलिए वहां पर कोई गलती आप मत करें। अगर आप कोई भी गलती करते हैं, किसी प्रकार की कोई गलती करते हैं, तो उसका खामियाजा आपको स्वयं भुगतना पड़ सकता है। और उसमें एमएड के अभ्यर्थी, डीएलएड के अभ्यर्थी, बीएड के अभ्यर्थी, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैंने वहां पे समझाया था, और इसलिए फॉर्म भरने वाली वीडियो को एक बार आप देख लीजिएगा। एक अफवाह फैल जा रही है कि निगेटिव मार्किंग होगा, तो इस पर भी मैं आपको आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। जी नहीं, टेट की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं, 150 में 150 प्रश्न आपको करने हैं, समय 150 मिनट होगा, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं करना। एक अंत में सवाल है जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है और गोल गोल घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, क्या टेट के अंक 1/4 आगामी भर्ती में जुड़ेंगे? क्या आपके भी मन में सवाल आया? बहुत सारे यूट्यूबर इस बात पे वीडियो बना रहे होंगे और बहुत सारे लोग इसमें डरा रहे होंगे, गुमराह कर रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद आपके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, जो सारे सवाल हैं, वो यहीं पे समाप्त होने वाले हैं। मैं एक एक करके सभी बातों पर फोकस करूंगा, इन सभी तथ्यों को बारे में बताऊंगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा बने रहिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करेगा। देखिए 1/4 का जो बार बार कॉन्सेप्ट लाया जाता है, तो ये पूरी तरह से निराधार है या फॉर्म फैलाई जा रही है। 1/4 अंक नहीं जुड़ेंगे, और जुड़ने की संभावना अगर आपको ऐसी लगती है तो टेट में अच्छे स्कोर करिए। लेकिन कोचिंग के लोग रहता फैलाते हैं ताकि टेट सीटेट पास अभ्यर्थी फिर से उनके लिए टेट और सीटेट कोचिंग करें और मार्क्स ज्यादा अर्जित करने के लिए 1/4 के डर से वो उनके यहाँ कोचिंग पढ़ना शुरू करें। इसलिए एकदम पूरी तरह से आप लोग सतर्क रहेगा, पूरी तरह से जानते रहेगा इस तरह से कोई अफवाह फैलाई जा रही है, आप इस पर कोई प्रभाव ना हो आपके व्यक्तिगत आपके ऊपर, क्योंकि आपने देख लिया केवीएस का परीक्षा हुई, आप 1/4 अंक नहीं जुड़े, रिट की परीक्षा हुई वहां 1/4 अंक नहीं जुड़े, अभी हाल हाल की परीक्षा हुई है, बिहार शिक्षक भर्ती की बात चल रही है वहां 1/4 का कोई प्रावधान नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी अगर भविष्य में शिक्षक भर्ती होती है तो टेट केवल पासिंग है, जहां पे 82-90 के बाद क्वालिफाई करने के बाद आप नई शिक्षक भर्ती में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर के परीक्षा देकर नौकरी भी कर सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, जब भी जिस परीक्षा में बैठते हैं हम और आप, ये उम्मीद करते हैं कि हम ज्यादा ज्यादा अंकों की तैयारी करते हैं, कि हमें ज्यादा ज्यादा अंक लाने, ज्यादा ज्यादा अंक लाकर हमें सिलेक्शन लेना, बस इतनी सी बात है, और ये बात आप सभी को जाननी है, ये बात आपको समझनी है। इसके अलावा सीटेट से जुड़े जो भी नोट्स हैं, इलानी बी दुर्गेश के व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम का लिंक है, वो टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़िएगा, सभी क्लास की नोट्स, वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगी। इलर्निंग विद दुर्गेश ऐप जो प्ले स्टोर पे, उसे भी वहां से भी जुड़कर आप सभी क्लासेस को पढ़ सकते हैं, सभी क्लासेस को देख सकते हैं, वहां से नोट्स सभी डाउनलोड कर सकते हैं। सीटेट की कुंजी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को फोकस करेगा, एनसीईआरटी को जितना पढ़ेंगे एनसीईआरटी उतना ही आपके लिए बेहतर और बेस्ट होगा, एनसीईआरटी पर फोकस रहिएगा और अपना बेहतर और बेस्ट देते रहिएगा। और उसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। और एक बड़ी विशेष बात यह है कि जो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है, जो सीटेट जूनियर का नहीं पास है, वो आज से ही सीटेट जूनियर पर काम करना शुरू करें, क्योंकि सीटेट जूनियर भी आपके लिए उतना महत्वपूर्ण है जितना कि प्राइमरी के लिए। तो अगर आप अभी तक जूनियर टेट नहीं पास है और एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि सीटेट जूनियर पर भी फोकस करिएगा, टेट जूनियर पर भी फोकस करिएगा। कि अगर बीटीसी हो या बीएड, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो जूनियर का पास कर लेंगे, उनको जूनियर में नौकरी नहीं मिले, ऐसा नहीं है, गुमराह मत होइए। बीएड के अभ्यर्थी को तो जूनियर अनिवार्य है, क्योंकि उनको पास ही करना है, क्योंकि जूनियर में उनको जाना है, और बहुत सारी भर्ती आने वाले समय में टीजीटी पीजीटी की भी सीटेट
के बेस पे कर सकते हैं, जैसे छोटी भर्ती हैं जो 6 से जूनियर के लिए या 9वीं 10वीं के लिए, ऐसा कई बार कहा जा रहा है, लेकिन अभी क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन अभी के लिए आप आज के लिए अपने आप को मजबूत रखिए, अभी आपके पास समय और पढ़ने का एक मौका है जिसकी तैयारी खुद कर सकते हैं। 6 से 8 तक की एनसीईआरटी किताबों को फोकस करिए, पेडागॉजी पढ़िए, पुरानी पेपर को जितना रिविजन करेंगे उतना आप सेफ स्कोर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर को ज्यादा ज्यादा फोकस करिए, ज्यादा से ज्यादा उस पर तैयारी करिए। बाकी हम आपके साथ हैं, आपका परिवार आपके साथ है, हम आपको बेहतर भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप कल को सरकारी शिक्षक और शिक्षिका जरूर बनेंगे। इस वीडियो को सभी मित्रों तक साझा करिएगा, वीडियो पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और ई-लर्निंग विद दुर्गेश का फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा, वहां पे वीडियो को शेयर करिएगा। आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है ई-लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना, सीटेट में भाषा कैसे भरना, इसकी सभी वीडियो मैंने बनाकर डाली है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, इस चैनल के में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। और प्रतिदिन आपकी क्लास रात के 9 बजे भी होती है, 7 बजे होती है, सुबह के 11 बजे, दोपहर के 2 बजे, शाम के 4 बजे, अलग अलग टाइम पे क्लास होती है, वहां पे जाकर सभी क्लासेस पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल है स्टडी विद दुर्गेश सर और सुपर टेट विद दुर्गेश सर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, वहां पर भी आपको क्लासेज मिलती है, वहां पर भी आपकी तैयारी पूरी तरह से चल रही है। उम्मीद करते हैं हमारा साथ रहेंगे और आपका साथ हम भी देते रहेंगे, आप भी निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, मेरी शुभकामनाएं सभी को है। और सीटेट से जुड़े सारे सवालों जवाब मैंने दे दिए, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल बन जाता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहेगा, वीडियो को खूब साझा करिएगा, शेयर करिएगा और उम्मीद करते हैं आपके सभी सवाल के जवाब आपको मिल गए, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो सवाल के जवाब आपको मिलते रहेंगे और इस वीडियो को अंत तक आप यहाँ तक बने रहे उसके लिए थैंक यू और मेरी शुभकामना, इस बार सीटेट अच्छे अंकों से पास करेंगे और जो सीटेट पास है वो सीधा सीधा शिक्षक भर्ती परीक्षाओं पर फोकस्ड रहें, चाहे वो KVS के लिए हो, DSSB के लिए हो या बिहार शिक्षक भर्ती हो, UP की शिक्षक भर्ती हो, क्योंकि सामने चुनाव में चुनाव के इर्द गिर्द आपको बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहूंगा कि आप फोकस्ड रहिए अपने एम पर, फोकस्ड रहिए अपने तैयारी पर, क्योंकि यही आपके अंतिम लक्ष्य है और यही आपके परिवार का सपना और यही आपकी भी सपना है और आपके सपने पर आपका परिवार आप उस उम्मीद पे पल रहा है और आप भी उस उम्मीद पे पल रहे हैं कल को अपने परिवार का सपना और अपना खुद का सपना पूरा करेंगे। तो सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फॉर्म को ध्यान मत रखिए क्योंकि विज्ञप्ति के आधार पर सारी चीजें होती हैं, सेमेस्टर में किसी सेमेस्टर में फॉर्म भर सकते हैं, BTC बीएड वाले जब भी वहां पे अप्लाई करेंगे तो वहां पे ध्यान देंगे और अपेयरिंग ईयर क्या है उसको भी ध्यान देंगे, फॉर्म भरेंगे, निगेटिव मार्किंग का विशेष ख्याल रखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरह से अफवाह है, 1/4 अंक नहीं जुड़ेगा, दुर्गेश की टीम इसकी पुष्टि किसी प्रकार से नहीं करती है। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। वीडियो को दबा के शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा का बटन दबा के रखिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और टेलीग्राम पर जुड़े रहिए क्योंकि क्लास उसकी नोट्स टेलीग्राम पर ही आपको मिलते रहेंगी। बाय बाय।